ज्योतिरादित्य का प्रियंका पर निशाना बता दिया ज्ञानी। पहले इतिहास पढ़े प्रियंका, फिर बात करें। सिंधिया परिवार को गांधी परिवार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी ग्वालियर आई थी तो उन्होंने सिंधिया खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। कहा था कि मैं मुद्दों से नहीं भटकूंगी, बस इतना कहूंगी। पता नहीं अचानक उनकी विचारधारा कैसे बदल गई। इसके बाद प्रियंका ने अपना निशाना सीधे पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ कर दिया और जनता से अपील की कि इस बार इतना बहुमत देना कि सरकार को न गिराया जा सके और न ही खरीदा जा सके। उन्होंने कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनवाने की अपील भी की। प्रियंका ने सिंधिया के खिलाफ बेहद सदी हुई जबान में निशाना साधा। सिर्फ एक लाइन में ही उनका जिक्र किया था। दावा किया था कि अगर चाहूं तो सिंधिया पर 10 मिनट बोल सकती हूं। प्रियंका 10 मिनट की जगह 10 सेकंड के लिए भी सिंधिया खिलाफ नहीं बोली, तो सिंधिया ने भी उसी तरह बेहद सधी हुई जुबान में प्रियंका का जवाब दिया। सिंधिया ने ग्वालियर में जन आक्रोश रैली में आई प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कहा कि वे हमारी मेहमान हैं, संभवतः पहली बार आई हैं, इसलिए उनका स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बहाने सिंधिया और उनके परिवार को कांग्रेस द्वारा गद्दार कहने के सवाल पर उन्होंने कहा, जो उनकी भूमिका है वो हम निभाएंगे। जिन्होंने इतिहास का पन्ना भी नहीं पढ़ा है उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरे प्रति विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है। सिंधिया ने बड़े तल्ख अंदाज में कहा कि मुझे किसी को भी, खास करके मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे अपना प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल मंच से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही उनके पूरे परिवार पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्हें भूमाफिया तक कह दिया था, जिस पर सिंधिया ने कहा कि अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी तो मेरे पिताजी को कांग्रेस ने क्यों लिया, इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया। अब सब आंखों में खटक रहा है, जो भी दुर्भावना है मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की और मैं ना करूंगा। उनको उनकी सोच सलामत, मैं उसी आधार पर काम करूंगा जिस रास्ते पर मेरी दादी और मेरे पिताजी चले। सिंधिया ने कमलनाथ और प्रियंका के साथ मंच पर मौजूद दूसरे लोगों का नाम लिए बिना कहा कि और भी लोग थे, उनको ग्वालियर की बदलती हुई सूरत खटक रही है और शायद ही वे इसे देख पाए। वे भी पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह ही आते थे, कार्यक्रम के बाद वापस चले गए। सिंधिया ने ग्वालियर में हो रही प्रगति और विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या एयरपोर्ट संभव होता, क्या रेलवे स्टेशन संभव होता, क्या एलिवेटेड रोड संभव होती, क्या ISBT संभव होता, 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव होता। ये इसलिए संभव हो पाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है। सिंधिया जब सवाल किया गया कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रही है तो उन्होंने कहा कि उनका उत्साह उन्हें मुबारक हो। उपचुनाव में लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस यहाँ समाप्त हो गई है, अब कोई दिन में सपना देख रहा है तो उसे देखने दो। जो पार्टी 2018 में 26 सीटें जीतने में कामयाब हुई, दो साल में उनकी संख्या 16 रह गई। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है, फिर भी वो लोग जीत की बात कर रहे हैं, उन्हें अभी खुशियां मना लेने दो, क्योंकि चुनाव के बाद तो कांग्रेस खुशी मना नहीं पाएगी, क्योंकि उनके हिस्से हार का गम ही आना है। सिंधिया ने दावा किया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल रीजन में BJP को बड़ी जीत मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में भी इस बार बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सीएम पद की दौड़ में नहीं है, BJP शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।